नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। प्रदेश में धान खरीदी शुरू हुए एक माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन शहर से सटे मालगांव में एक बुजुर्ग महिला पारिवारिक विवाद के कारण जनवरी माह तक अपने खेत में धान कटाई नहीं कर पाई थी। मामला जैसे ही कलेक्टर चंदन कुमार के संज्ञान में आया, उन्होंने प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर भेज बुजुर्ग महिला के खेत के धान कटाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। बुजुर्ग महिला सुखबत्ते सिन्हा के पति की मौत 3 साल पहले ही हो गई थी, जिसके बाद से खेत के बंटवारे को लेकर सुखबत्ते का देवर उसे परेशान कर रहा था। धान लगाने के दौरान भी सुखबत्ते और उसके बेटों को सुखबत्ते के देवर लक्ष्मण ने परेशान किया था। अब जब बात नवंबर माह में धान कटाई की आई, तो लक्ष्मण सिन्हा और उसके परिवार ने सुखबत्ते और उसके बेटों से मारपीट कर दी। मामला थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन खेत में धान कटाई नहीं हो पाई। परेशान होकर सुखबत्ते ने कलेक्टर चंदन कुमार से मामले की शिकायत की, जिसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को मामले की जांच के आदेश दिए। जांच में खेत सुखबत्ते का ही पाए जाने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को पुलिस सुरक्षा में महिला के खेत की धान कटाई करवाने के निर्देश दिए। आज सुबह तहसीलदार आनंद नेताम पुलिस जवानों के साथ महिला के खेत पर पहुंचे और धान कटाई शुरू करवाई गई। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।